दिल्ली के अंदर प्रदूषण के स्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आज हमने तमाम जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट हैं, उनके साथ संयुक्त बैठक आज हमने की है और उस बैठक में हमने ये डिसाइड किया है कि समर एक्शन प्लान सरकार बनाएगी और अप्रैल से लेकर के और सितंबर तक तात्कालिक तौर पर और दीर्घकालिक तौर पर दोनों तरह का एक्शन प्लान बना करके इस 6 महीने में उसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ काम करेंगे। इसके लिए सभी विभागों को निर्देश दिया गया है, 1 हफ्ते के अंदर वो अपना समर एक्शन प्लान क्या क्या होना चाहिए वो सरकार को सबमिट करेंगे। इसमें जो 14 पॉइंट्स डिसाइड किए गए हैं, जिसको फोकस करके एक्शन प्लान बनाने के डिपार्टमेंट को बोला गया है, जिसमें पहला पॉइंट है ओपन बर्निंग। गर्मी के समय में ये ओपन बर्निंग की घटनाएं, अभी आपने देखा होगा गाजीपुर लैंडफिल साइड में आग लगी, ऐसी घटनाएं जो है वो बढ़ती हैं गर्मी के समय में। दूसरा, रोड डस्ट, इस गर्मी में जो है रोड डस्ट जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है, उसके लिए बोला गया है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन तीसरा पॉइंट होगा। चौथा है अर्बन फार्मिंग। पांचवा है रोड साइड ग्रीन कवर को डेवलप करने का काम। छठा है ग्रीन पार्कों का विकास। दिल्ली के अंदर जितने पार्क हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट को हो, उनको एक ग्रीन पार्क के रूप में, इको पार्क के रूप में डेवलप करने के लिए एक्शन प्लान बनाने के लिए बोला गया है। ट्री प्लांटेशन जो हर साल हम करते हैं, इस साल के लिए एक्शन प्लान में हमारे इस समय शामिल होगा। और आठवां हमारा पॉइंट है दिल्ली में झीलें जो हैं उनके डेवलपमेंट का एक्शन प्लान में हम शामिल कर रहे हैं। नौवां है सिटी फॉरेस्ट का डेवलपमेंट, उसको इस समर एक्शन प्लान में हम शामिल कर रहे हैं। और दसवां है इको क्लब एक्टिविटीज। ग्यारहवां पॉइंट है रियल टाइम जो अपार्टमेंट स्टडी है। और बारहवां है इको वेस्ट पार्क। तेरहवां है ट्री ट्रांसप्लांटेशन मॉनिटरिंग। और चौदहवां है रिप्लेसमेंट ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। 11 अप्रैल तक ये प्लान सबमिट करेंगे सभी डिपार्टमेंट, जिसके आधार पर फिर हम अपना समर एक्शन प्लान तैयार करेंगे और उस पर सरकार काम करेगी।